अभी बज रहा है 11 बज रहा है और मैं यहाँ पर मेरा दूसरा दिन है अजमेर में। आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसे आउटफिट्स पहने। ये काउंटर है होटल का, अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है 11 डिग्री चल रहा है अभी, तो अभी मैं बाहर दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा है 1 डे का, कल रात से लेकर आज पूरी रात तक कर्फ्यू है। तो अभी यहाँ पर हुआ है कर्फ्यू 1 दिन का, पूरा लॉकडाउन है। पूरी एक भी होटल या फिर कुछ भी यहाँ पर, सिर्फ रेस्टोरेंट छोड़ के और जो होटल में चेक इन करना है बस वो ओपन है, बाकी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपने जो भी पब्लिक देखी है वो सिर्फ धूप लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 11 डिग्री चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, तो यहाँ पर जो है धूप लेने के लिए खड़े। और पुलिस यहाँ पर इतना राउंड अप मार रही है, यहाँ पर सबको भगा रहे। बस जो यहाँ से जाने वाले हैं उनको ही अलाउड है। और खाने के लिए थोड़ी सी होटल चालू है, जो भी आप शटर करके चालू है। तो यहाँ पर आप लोग ने जो देसी देख रहे हैं, यहाँ पर कर्फ्यू तो संडे, हर संडे यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। तो आप लोग प्लान करके आइए। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे पहला स्टेशन, फिर वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। ऑलराइट, मैं अभी जो है अजमेर जंक्शन स्टेशन पे हूँ। मैं यहाँ से जो है जयपुर जा रहा हूँ अभी मैं एयरपोर्ट के लिए। और ये मेरे पीछे ये ट्रेन है, और यही ट्रेन से हम लोग जो है जयपुर जा रहे हैं, और वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। सो यहाँ से भी जो है 2 घंटा लगता है स्टेशन के लिए जयपुर टू अजमेर के लिए। उसके बाद में वहाँ से हाफ एन आवर का जो है एयरपोर्ट का रास्ता है, ओला करके भी आप जा सकते हो। तो वहाँ से फिर एयरपोर्ट पे जाने के लिए 1/2 घंटा, और उसके बाद में हमारी फ़्लाइट रहेगी। तो यही था हमारा जो अजमेर का सफ़र। अभी मैं अजमेर से निकल गया हूँ, अभी मैं फ़्लाइट का भी आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ मैं। सो ऐसे अगर आप लोगों ने जो ब्लॉग यहाँ तक देखा होगा तो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे ब्लॉग को, इन ब्रदर्स को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अजमेर से मैं निकल रहा हूँ, एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। जो है ट्रेन चलने लगी जयपुर के लिए, हम लोगों को जो है 4-4:30 बजे का टाइम है छोड़ने का, और अभी तक तो कोई आया नहीं है। और हम लोगों को जो सीट यहाँ की 3 है 1 2 3 और यहाँ पे दी गई है, तो टोटल 4 सीट है। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में आया हूँ, तो यहाँ पर है ये ट्रेन चल रही है। काफ़ी ठंडी है यहाँ पर, टेम्परेचर कम होते जा रहा है, जैसे जैसे शाम होते जा रही है तो टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन तो पूरी खाली है फिलहाल। जयपुर पहुंचने का, तो ठंडी तो काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो मैंने अभी जो है ये शाल मेरी मम्मी से ले लिया है, खिलाओ दे दो, बहुत ज़्यादा ठंडी होते जा रही है। और कुछ ऐसी दिख रहा है देखो, यहाँ पर ट्रेन तो पूरी खाली है। यहाँ पर हम लोग के आगे बाजू में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने जो है मास्क नहीं लगाया हूँ। बाकी मैं वहाँ पर बैठ रहा हूँ तो मास्क लगा के बैठ रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ तो मास्क लगा के जा रहा हूँ, बट मैं अपनी सीट पर खाली बैठ रहा हूँ तो मास्क नहीं लगा रहा हूँ। सेफ्टी का ध्यान दे रहे, सैनिटाइजर हम लोग है कर रहे हैं, सीट को कर रहे हैं, अपने हाथ को कर रहे हैं, सैनिटाइज तो प्रॉपर कर रहे हैं, बट जो है ठंडी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अजमेर आ रहे हो तो बहुत तैयारी से आओ, बहुत बहुत ज़्यादा तैयारी से। 4:15 हो रहा है और 4:30 का जो है स्टेशन का जो है डेस्टिनेशन पहुंचने का जो टाइम है 4:30 है, और अभी जो है 3:46 हो रहा है। ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है यहाँ से, और मैं अकेला हूँ। ये पूरे 6 की 6 सीट पे अकेला मैं हूँ, पीछे मेरी फैमिली है, हम लोग पूरी फैमिली लोग जो है जा रहे हैं। बहुत ही इंजॉय था
और अजमेर शरीफ में अच्छे से दरगाह में ज्यारत हो गई। हम लोगों का फ़्लाइट जो है अच्छी थी, हम लोग फ़्लाइट से आए थे तो वो भी अच्छा था, सारी चीज़ें ऑन टाइम हो रही थी तो बहुत बेस्ट था। अभी तक तो माशाल्लाह सब चीज़ अच्छे से हो गया हमारा। हम लोग जो है, आप ये ब्लॉग अगर यहाँ तक देखे हो तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कुछ एडवाइस कर रहे हो तो कमेंट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियो के आने वाली है तो उसके लिए आप जो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल एन ब्रदर्स को। हम लोग जो है जयपुर जंक्शन पहुंचे और जैसे भी हम लोग जो है ओला के लिए रुके हुए और एकदम ऑन टाइम पे जो है ट्रेन ने छोड़ा है। 9:04 हो रहा है और उनका टाइमिंग दिया था 4:30 पे, लेकिन जो है 4:20 पे हम लोग उतर गए। और मेरे पीछे यही है जो है जयपुर जंक्शन और बहुत ही बहुत क्लास लग रहा है यहाँ पर। सारी सफाई और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जयपुर। इंशाल्लाह कभी आऊँगा तो जो है जयपुर सिटी भी घूमूंगा। फ़िलहाल तो मैं भी अजमेर के लिए आया था दरगाह पे, तो मैं बस जो है दरगाह की ज़्यारत करा और डर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम फुल प्लान करके आऊँगा जयपुर घूमने के लिए। तो चलते हैं अभी एयरपोर्ट के लिए। जो मैं जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, 5:42 हो रहा है और 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है। इंडिगो एयरलाइन से मैं जा रहा हूं, तो ये 7 से कुछ 8:45 तक मुझे मुंबई पहुंचा देगी। तो मैंने सारे चेकिंग, बोर्डिंग पास, वो सब सारी चीज़ लेके अभी वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। तो मैं यही बता रहा था, इन्जॉय कीजिए, एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। आप लोग ये व्यू देखिए। मेरे पीछे जो ये रनवे है और ये वेटिंग एरिया में मैं रुका हुआ हूँ। जस्ट यहाँ पर ही पीछे से हम लोग जो है फ़्लाइट देख रहे हैं, जो भी फ़्लाइट आ रही है, लैंड हो रही है, जो भी उड़ रही है उसको सब लोग ऐसे देख रहे हैं। और मेरे पीछे जो इस तरफ चेकिंग एरिया है, तो हम लोग को बस 2 मिनट के एरिए से चेकिंग यहाँ पर करना है और जो है फ़्लाइट में जाना है हम लोग को।
आधा घंटा बचा है और हम लोग ने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे तो सारी चीज़ें महंगी होती है, और ऑनियन गार्लिक पिज़्ज़ा 200 रुपए का है यहाँ पर एयरपोर्ट पे जयपुर के यहाँ पर, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही थी और आधा घंटा भी बाकी था, तो मैंने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। देखते अभी वो कैसा रहता है। फ्लाइट में तो आ गए और ये मेरी सीट है, तो मिलते हैं डायरेक्ट मुंबई में। For any query, please contact us. Please remember, this exit should only be open when you hear the command, passenger, evacuate, 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 from the captain or any of the cabin crew members. What we do here is go back, 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 back. हम लोग 8:30 बज रहा है, ऑन टाइम फ्लाइट थी। मुंबई में है 30 डिग्री और जयपुर में था 6 डिग्री। कितना डिफरेंस है देखो मुंबई और जयपुर में। अभी यहाँ पर 8:30 बज रहा है और मैं यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ। 30 डिग्री मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम गर्म हो रहा है यहाँ पर मुंबई में आकर यहाँ पर। ये है हमारा मुंबई एयरपोर्ट, इतना बड़ा, और T2 पे हम लोग जो है यहाँ पर फ्लाइट उतरी है, तो टर्मिनल 2 का देखो कितना शानदार एयरपोर्ट है ये। सो और आप लोग ने जयपुर का एयरपोर्ट भी देखा, ऐसे मैं घुसा और ख़त्म हो गया। और ये टर्मिनल 2 मुंबई का एयरपोर्ट देखो कितना आलीशान है। मुंबई का एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट। देखो यहाँ पर 30 डिग्री है।
आउट हो गए अभी और अभी जो है मुंबई पहुंच गए, अभी डायरेक्ट घर पे जा रहे हैं। 9:15 बज रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी इस वजह से, तो ये व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ मैं। जो है मुंबई, अजमेर और मुंबई जो है यहीं पर एंड होता है हमारा व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने जो वीडियो देखा, आप लोगों को होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और जो है इसी प्यार करते रहना, हमारे अगले वीडियो के लिए वेट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरा जो वीडियो देखा।